देखो, संपूर्ण रूप से यहाँ हम लोग मज़े करने तो नहीं आए हैं। पढ़ाई लिखाई में देखो मज़ा हो सकता है, थोड़ा बहुत हो सकता है, बहुत मज़ा हो सकता है, पर कभी भी आपको पढ़ाई लिखाई में वो मज़ा नहीं मिलेगा जो मज़ा आपको सोशल मीडिया पे मिल जाता है, इंस्टाग्राम पे मिल जाता है, दोस्तों के साथ घूमने मिल जाता है। वो खुशी आपको नहीं मिलेगी। और इसका सबसे बड़ा कारण है, देखिए, आपका मन। हमारा मन जो होता है ना, बहुत चंचल होता है। इसको वो चीज़ चाहिए होती है जिससे आपको तुरंत खुशी मिल जाए। इंस्टेंट प्लेजर कहाँ है, वो ढूंढता रहता है मन। पढ़ाई कभी भी उतनी इंटरेस्टिंग नहीं हो सकती है जितना आपको इंस्टाग्राम की वो रील्स लगती हैं। और इसका सीधा आंसर ये है, क्योंकि पढ़ाई करने से आपको जो रिजल्ट मिलता है वो कुछ समय बाद मिलता है। तो बहुत से काम ऐसे हैं जो बोरिंग है। कभी अपने पिताजी से बोलिएगा कि पापा आपको ऑफिस में मजा आता है, हो सकता हो हफ्ते में 2 दिन मजा आता हो, पर 5 दिन तो वही काम है ना, और उन्हें वो काम करना है क्योंकि वो उनका कर्म है, वो उनका कर्तव्य है। जाहिर सी बात है कि काम को रोज करोगे वो बोरिंग लगने लगेगा एक समय के बाद। पर क्या करते हैं वो, क्या ऑफिस छोड़ देते हैं? वो नहीं, वो ऑफिस में काम करते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि ऑफिस में पूरे समय बोर होते होंगे, बहुत से समय ऐसा होता होगा जिसको एंजॉय करते होंगे, पर हमेशा कुछ समय ऐसा होता होगा जिसमें वो बोर भी होते होंगे, तो उस टाइम उसको वो छोड़ थोड़ी देते हैं, वो काम भी वो करते रहते हैं। अब ये चीज़ जो है, ये आपको शुरू में कैसी लग रही है? विश जैसी लग रही है। और आप देखो, जो भी चीज़ शुरुआत में आपको विष जैसी लगे, जो भी चीज़ आपको पॉइजन लगे, बाद में वही आपके लिए बेटा अमृत बनती है। दैट विच सीम्स लाइक पॉइजन इन द बिगिनिंग बिकम्स नेक्टर इन द एंड। टेस्ट से हम लोग को डर क्यों लगता है? क्योंकि हम तैयारी नहीं करते। उन बच्चों से पूछिए जो रेगुलर टेस्ट दे रहे हैं, उनको मज़ा आता है टेस्ट देने में, खुशी होती है, कॉम्पिटिशन की फीलिंग होती है टेस्ट के वक्त। वो कब आएगी? जब आप तैयारी करेंगे। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री छोड़ देते हैं, कितना रटने वाला है, कितना पढ़े हैं, बोरिंग है, फिर क्या होगा? फिर एग्जाम में इससे क्वेश्चन आ जाएगा। और आपको पता है, देखो, नीट का पेपर ऐसा नहीं है कि आप कुछ टॉपिक छोड़ के चले जाओ और सेलेक्ट हो जाओगे, ना ही अब जेई मेंस ऐसा बचा है। अब तो भाई पेपर ही यही चेक कर रहा है कि आप पूरा सिलेबस पढ़ के आए हो कि नहीं, और कितनी स्पीड में आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे, आपके बेसिक कितने हैं, बस इतना ही देख रहा है। बहुत इन डेप्थ नॉलेज तो नीट आपकी चेक ही नहीं कर रहा है। उसमें आप सोचोगे कि मैं पूरी फिजिक्स पढ़ के चला जाता हूँ, अच्छे से फिजिक्स करके चला जाता हूँ, तो भाई फिजिक्स वाला पार्ट सॉर्ट हो गया। आपने कहा बायो कर लेते हैं, बायो सॉर्ट। पर केमिस्ट्री में अगर आपने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं की बेटा, तो आप मान के चलो कम से कम आपके 7 से 8 सवाल तो सीधे सीधे चले जाएंगे, जो एकदम प्योर यहीं से आए होंगे। बाकी तो कुछ ऐसे होंगे उसमें ऑर्गेनिक का कुछ पोर्शन मिला होगा, किसी में थोड़ा सा फिजिकल मिला के दे देता है, पर 7 से 8 सवाल तो आपने वहीं के वहीं छोड़ दिए। और 7 से 8 सवाल का मतलब हो गया 8 चौके 32 नंबर आपने छोड़ दिए। अब आपको पता है इस टाइम नीट का पेपर बहुत हाई स्कोरिंग चल रहा है, और 32 नंबर आप पूरी तरह से छोड़ के जा रहे हैं, और ये नंबर भी बेटा गिफ्टेड है। इनऑर्गेनिक का एक सबसे बड़ा फायदा क्या है? इनऑर्गेनिक का सबसे बड़ा फायदा यह है कि आपको पहले कोई चीज आती हो ना आती हो, ये पढ़ के काम बन जाएगा, और पेपर में सबसे ज्यादा समय बचाती है। आपको पता है नीट का पेपर जो होता है वो टाइम टेस्ट होता है, कम समय के अंदर ज्यादा सवाल सॉल्व करने हैं, समय की परीक्षा हो रही है, वहां आपका टाइम टेस्ट हो रहा है। तो ऐसे पेपर में जहां आपका टाइम टेस्ट हो रहा है, आपका वो पोर्शन तो बहुत स्ट्रांग होना चाहिए जहां आप टिक मार मार के निकल जाओ बस। भाई फिजिक्स आपकी कितनी भी अच्छी हो जाए बेटा, कितनी भी अच्छी हो जाए, फिजिकल केमिस्ट्री आपकी कितनी भी अच्छी हो जाए, पेपर में आपको हल करना पड़ेगा सवाल। मैं मान सकता हूं कि 50 में से हो सकता हो, यानी 45 में से हो सकता हो, 20 सवाल आपको हल नहीं करने पड़े, या 15 सवाल हल भी नहीं करने पड़े, आपको पता था इस तरह से आंसर आएगा, या बहुत कम मेहनत करनी पड़े। कितना समय लगा उसमें? बहुत कम लगा, 1 मिनट लगा, 45 सेकंड लगा। इसमें कितना समय लगेगा? इसमें आपको पता है कितना समय लगेगा? हर क्वेश्चन पे आपको कितना समय लगने वाला है? 5 सेकंड। क्योंकि यहां बात क्लियर होती है, आता है तो आता है, नहीं आता है तो नहीं आता है। फिजिक्स में ऐसा नहीं, वहां आप कोशिश करते रहते हो, फिजिकल केमिस्ट्री में आप कोशिश करते रहते हो, यहां बात क्लियर है, आता है तो आता है, नहीं आता है तो नहीं। तो इस समय नहीं खाता ये आपका। आप क्या देख रहे हो कि मेरे लिए तैयारी में क्या चीज बोरिंग है, क्या चीज आसान है? हम तैयारी कर किस लिए रहे हैं? हम तैयारी किस लिए कर रहे हैं? नीट के पेपर के लिए तैयारी कर रहे हैं, रणभूमि के लिए तैयारी कर रहे हैं। तो रणभूमि के अंदर क्या होने वाला है उसकी स्ट्रैटेजी तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कि टेस्ट में क्या खेल करना है वो तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है।